अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। क्लास एट अब हम पॉलीनोमियल का एडिशन देखेंगे कि उसका एडिशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस हों या दो टर्म्स हों तो आप उसका एडिशन कैसे करेंगे। जैसे कि हम पहले भी पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि एडिशन करते वक्त हम साइंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सपोज हमारे पास कोई दो टर्म है, 9 ए बी ये एक टर्म है और इसमें हमने 7 ए बी ये ऐड करनी है। क्या करनी है? ऐड करनी है। अब ऐड कैसे करेंगे हम? अगर वर्टिकली देखें तो हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है। क्यों सेम टर्म है ये? कि देखिए इसका यहाँ ये वेरिएबल ए बी है, इसकी कोई कॉफी इसका कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब है वन एक्सपोनेंट है। इसका कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब है इसका वन एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से इधर देखें, ए का कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो वन है, बी का कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो क्या है? वन है। तो इसका मतलब है जब हम टर्म देखते हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम टर्म देखते हैं तो टर्म में हमें लाइक ऑन लाइक टर्म में क्या देखते हैं? कोफिशियंट और साइन नहीं देखते, बल्कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो वेरिएबल्स हैं जिस एक्सपोनेंट के साथ हैं वही वेरिएबल यहाँ उसी एक्सपोनेंट के साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हैं तो इसका मतलब है ये ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। अनलाइक टर्म्स ना ऐड हो सकती हैं और ना सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब यानी इसका मतलब हुआ ए बी अगर वर्टिकली लिखेंगे तो हम, अब देखिए इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन क्या है? माइनस है, 7 ए बी। अब क्या करेंगे? एडिशन करते वक्त अलजबरा के अंदर एडिशन करते वक्त हम ये देखते हैं कि साइन क्या है। अब देखिए यहां इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहां हमने जो है वो हर हाल में जो है वो इन दोनों को प्लस ही करना है, नहीं। यहाँ हम देखेंगे साइन, अलजबरा में हमेशा साइन देखते हैं। जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो इसका मतलब है एक्चुअली इन फैक्ट क्या होगा? वो माइनस होगा। यानी 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आप क्या आंसर आएगा? 2। और क्योंकि ये सेम टर्म है ये ऐसी उतर जाएंगे। अब आंसर में किसका साइन आएगा? बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यानी प्लस का साइन आएगा। अगर इसे हॉरिजॉन्टली करेंगे तो कैसे करेंगे? 9 ए बी, देखिए इसका साइन क्या है? प्लस है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड कर रहे हैं हम। अब माइनस 7 ए बी, बस कुछ भी नहीं करना, इसके साथ इस तरह लिख देते हैं माइनस 7 ए बी। अब यहां देखिए लाइक टर्म है तो टर्म लाइक टर्म है तो लाइक टर्म आंसर में ऐसी आ जाएंगे। अब यहां देखिए ये प्लस 9 है, ये माइनस 9 है, तो यानी 9 में से 7 को माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा जो कोफिशियंट होते हैं, हमेशा वैल्यूज जो होती हैं, फिगर्स जो होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो 9 में से 7 माइनस होगा 2 और आंसर में प्लस का साइन आएगा। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। ये तो हमने देखी है कि अगर हमारी एक टर्म होगी तो एक टर्म को कैसे प्लस और प्लस कैसे हम ऐड करेंगे। अब अगर फर्ज करें एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म है, अब देखिए ये हमारे पास दो टर्म है, यानी ये एक एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें दो टर्म्स हैं, है ना? ये पूरी ये टर्म है और एक पूरी ये टर्म है। इसी तरह इसमें देखिए ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म आपकी ये है और एक टर्म आपकी ये है, है ना? तो अब ये देखेंगे लाइक टर्म कौन सी है। ये देखिए सबसे पहले हम पहले जब ऐड करने लगे हैं तो हम पूरी एक एक्सप्रेशन को लिख लें, आप ये वर्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्सप्रेशन आपकी ये है तो आप इसमें देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं। देखिए ए स्क्वायर बी, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कोएफिशिएंट नहीं देखते बल्कि वेरिएबल्स देखते हैं। अब देखिए जो ये वेरिएबल है वही ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब है ये इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी 4 ए स्क्वायर बी इस टर्म के नीचे आएगा जो उसके जैसी टर्म है, लाइक टर्म। इसी तरह प्लस 3 ए बी बी स्क्वायर, ये देखिए यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो यानी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इसके नीचे आएगा। अब क्योंकि हम ये कर रहे हैं ऐड, यानी हम मालूम कर रहे हैं इसका सम,
एड द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ हो, यस फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, बात एक ही है, यानी उन्हें आपने एड करना है, एडिशन करना है वहां पे। अच्छा, अब अलजेब्रा में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एडिशन करते वक्त आपने साइन देखने होते हैं, साइन के हिसाब से आपने चलना है। अब यहाँ इसका कुछ साइन नहीं है, तो इसका साइन, इसका मतलब है प्लस है, इन दोनों का साइन प्लस है, यानी इसका मतलब हुआ जब एक जैसे साइन होंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो एक्चुअली जो कोएफिशिएंट हैं वो प्लस होते हैं, एक्चुअली कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, यानी 6 और 4 क्या हो गया 10, और क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो एज इट इज़ ये उतर जाएंगी और साइन वही प्लस होगा। अब लेकिन जब हम पहले ये बात कर चुके हैं कि दो डिफरेंट साइन होंगे, तो एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर दो डिफरेंट साइन है तो हम कोएफिशिएंट है वो माइनस होंगे, यानी इसका मतलब है 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी इसका मतलब है ये -3 है और ये +3 है। अब ab² ये सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, इसका मतलब है, तो यानी इसका मतलब हुआ 0ab का मतलब हुआ यानी ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये -3ab और +3ab ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कैंसिल का मतलब यानी 3ab² में से +3ab² गया तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा यहाँ पे, तो उसको लिखते नहीं है बस ये, तो इस तरह ये आंसर हो गया। यह आपका वर्टिकल मेथड है, इसी को अगर आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो किस तरह करेंगे, ये यहाँ करके मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह इसको दो टर्म हैंगे उसको इसी तरह लिख लीजिए जैसे पहले आपने एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को लिखा था, बिल्कुल उसी तरह इसको भी लिख लें 3ab² आप इसके साथ लिख लें, ये बस साथ लिख लें उसी तरह 4a² b प्लस 4 प्लस 3ab² अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आपने उसके नीचे अरेंज किया था, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है तो उसके बराबर में अरेंज करेंगे, जैसे ये है आपका 6a² b, अब ये टर्म है a² b वाली, अभी मैंने कहा था कि लाइक अनलाइक टर्म में कोएफिशिएंट नहीं देखते, वेरिएबल देखते, अब देखिए इसमें वेरिएबल a² b है, तो a² b का वेरिएबल ये a² b की टर्म ये वाली है, तो यानी पहले इसको तरतीब दे के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब जब इन दोनों का मामला आपने कर लिया तो अब ये दोनों बचे, यानी इसका मतलब है -3ab² अब ये वाली टर्म आएगी और इसकी लाइक टर्म ये वाली है, यानी यहाँ पे भी ab² है तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए -3ab² और +3ab, वही 3 में से 3 माइनस होंगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, इसको इस तरह करते हैं अलजेब्रा में। अब ये तो मैंने आपको जो है वो दिखाने के लिए यहाँ ये जो है स्लैश डाल दिया इसके ऊपर, लेकिन एक्चुअली बस अंडरस्टूड कर लेते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल से इस तरह उसे कैंसिल कर दें। अब रह गया ये, तो वही बिल्कुल इसी तरह उसे रफ में वर्टिकली प्लस करके देखिए, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, देखिए ये लाइक टर्म्स हैं तो आंसर में लाइक टर्म्स ऐसे ही उतर गई, ठीक है। उसके बाद 6 में 4 प्लस करेंगे आप, 6 में 4 प्लस करेंगे क्यों आएगा, क्योंकि ये भी प्लस हो, ये भी जब दो साइन एक जैसे हो तो प्लस होगा, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, ये लीजिए ये आंसर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है और ये वर्टिकल मेथड है आपका। तो ये वो एक्सप्रेशन जो सिर्फ दो टर्म्स के ऊपर थी आपकी, तो ये उसका एडिशन हमने देखा। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ एड द फॉलोइंग या फाइंड द सम, बात एक ही है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें 3 टर्म्स हो, अब देखिए अब अगर आपके पास 3 टर्म है, लेकिन 3 टर्म के साथ साथ आप ये देखिए ये 3 एक्सप्रेशन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे 3 नंबर होते थे और आप उसे प्लस करते थे, जैसे फर्ज करें आपके पास है, जैसे आपके पास है 25, 69, 28 और इसे प्लस करना है, तो कैसे करेंगे आप,
बिल्कुल इसी तरह इसको करेंगे, लेकिन बस जरा रखते वक्त देखेंगे। अब देखिए ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, वर्टिकली इसको रखिए 4a प्लस 6b प्लस 5c, ठीक है। दूसरी एक्सप्रेशन है 7a 5b और 5c। अब गौर कीजिए, ये टर्म a के नीचे आएगी, b के नीचे आएगी, c के नीचे, जो जैसी टर्म होगी। और फिर मैं कह रही हूँ कि टर्म लाइक और अनलाइक किससे देखते हैं हम, उसका वेरिएबल देखते हैं कि उसका वेरिएबल क्या है। यानी इसका वेरिएबल a है तो इसका वेरिएबल भी a है, तो इसका मतलब है ये किसके नीचे आएगी, ये इसके नीचे आएगी, 7a के नीचे। इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसी तरह इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। अब 5b है तो यानी ये इस टर्म के नीचे आएगी, प्लस 5b, और इसी तरीके से ये प्लस 5c। और उसके बाद जब आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड को भी बिल्कुल इसी तरीके से सेट करेंगे आप। 3a, ये कौन सी टर्म है, ये देखिए a वेरिएबल सेम है, तो यानी ये इसके नीचे आएगा, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। फिर उसके बाद प्लस 7b और फिर प्लस 7c। अब बिल्कुल उसी तरह आपने करना है। देखिए अब ये तीनों साइन आपके प्लस के हैं, तो a सेम वेरिएबल है, तो आपने क्या किया, 7 और 4 11 और 3 14, ठीक है, 14a वेरिएबल ऐसे उतर गया। आप उसके बाद ये देखिए 6 5, तीनों प्लस हैं तो इसका मतलब है प्लस होगा। 6 5 और 7, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हुए, 18। अब प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, 18b। इसी तरीके से देखिए तीनों में प्लस का साइन है तो नीचे भी प्लस ही आएगा, 5 और 5 10 और 7, यानी 17c, क्योंकि वेरिएबल सेम है, ऐसी आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह। आप जब इसे हॉरिजॉन्टली करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे आपको बताया पहले। ये वाले आप एक्सप्रेशन पूरी लिखेंगे 6b प्लस 5c, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर ऐड कर देंगे, अब ये दूसरी है, कॉमा समझे हट जाएगा, तो कॉमा जब हट जाएगा आपने करना है 7a प्लस 5b प्लस 5c। अब फिर ये कॉमा हट जाएगा और ये यहां कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, 3a और फिर क्या है 7b और क्या है 7c। अब क्या करेंगे, अब इसे अरेंज करेंगे। देखिए ये टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तीनों सेम है। जब ये तीनों सेम है तो पहले इन्हें अब इज इक्वल टू डाल के करते हैं हर स्टेप को। अगर पीछे भी मैंने नहीं किया है तो याद रखिएगा, जब आप हॉरिजॉन्टली कर रहे होते हैं तो हर स्टेप पे इज इक्वल टू डालते हैं। 4a प्लस 7a, साइन देखेंगे जो इसका साइन है वही साइन लगाएंगे, प्लस 3a, देखिए ये निमट गया। अब आप सेकंड पर आइए, 6b सेम ऐसी कहाँ है, 5b सेम ऐसी कहाँ है, 7b प्लस 6b, इसका साइन क्या है, प्लस 5b प्लस इसका साइन क्या है, 7b। आप उसके बाद तीसरी पर आ जाइए, क्या बचा आपके पास, प्लस 5c प्लस 5c प्लस 7c। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां किया है, आप इसे वर्टिकली रख के रफ में देखेंगे और फिर उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। और अगर वर्टिकली नहीं तो ये भी देखें आराम से, a यानी क्या आएगा आंसर में, a। और कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, सब प्लस है, तो इसका मतलब है 4 में 7 प्लस करें, 7 में 3 प्लस करें, क्या आंसर आ जाएगा, 4 7 11 और 3 14, 14a आ गया, इसका मामला निमट गया ये इन तीनों का। अब इस पर आ जाइए, सबके प्लस के साइन है तो इसका मतलब है सब प्लस होगा, 6 5 11 11 7 कितना हुआ, 18 साइन आएगा, प्लस 18, और वेरिएबल क्या है, b है, क्योंकि सेम टर्म है, ठीक है। इसी तरह प्लस 5 5 10 और 7 17c, ये आंसर हो गया। यानी अगर आपके पास तीन एक्सप्रेशंस हैं तो फिर उसे इस तरह करेंगे, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, अब देखिए, अब ये देखिए कितनी एक्सप्रेशंस हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। अब देखिए इसमें सब आगे पीछे टर्म्स लिखी हुई है, अब बिल्कुल उसी तरह होगा।
वर्टिकली से 6ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7। पहले आपने ये उतारी, अब देखिए लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ये देखिए, अब जब आप ये वाली टर्म उतारने लगे तो 5a स्क्वायर, तो ये यहाँ नहीं उतरेगी, क्यों? ये टर्म जो है, ये देखिए, इससे मिलती जुलती है, साइन और कोएफिशिएंट नहीं देखते, वो कुछ भी हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ 5 प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो 5a स्क्वायर यानी इसके नीचे आएगी 5a स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस 7ab, ab की टर्म कहाँ है, ये है, तो यानी यहाँ आएगा माइनस 7ab। इसी तरीके से 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की टर्म कहाँ पे है, ये है b स्क्वायर, तो यानी प्लस 3b स्क्वायर यहाँ आएगा। और कांस्टेंट देखिए प्लस 9 है, यहाँ माइनस 7 है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आएगा। अब देखिए इसमें माइनस 4b स्क्वायर कहाँ आएगा, माइनस 4b स्क्वायर ये b स्क्वायर की टर्म पे आएगा, 4b स्क्वायर। हमेशा हम वेरिएबल को देखते हैं, टर्म लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं हम। अच्छा, माइनस 3ab कहाँ आएगा, माइनस 3ab, ठीक है। अब उसके बाद 2a स्क्वायर कहाँ आएगा, ये a स्क्वायर के टर्म पर आएगा, माइनस टू ए स्क्वायर। जरा आप खुला खुला लिखिएगा, मैंने यहाँ जगह छोड़नी थी इसलिए जरा मैंने इस तरह लिखा है, माइनस 3, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे आएगा। बिल्कुल इसी तरह कुछ भी नहीं करना, जैसे अभी हमने एक्सप्रेशन अगर दो टर्म की थी, तीन टर्म की थी, वो देखी थी, बिल्कुल इसी तरह वो होगा। अब आप ये देखिए, इसके अंदर साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। आप वेरिएबल देखिए, तीनों के सेम है, अब कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके बस इसे देखिए, आप साइंस को देखिए क्या करना है। ये देखिए कि एक जैसे साइन है, तो अलजबरा में जब एक जैसे साइन होंगे तो एक्चुअली वो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में जब 6 यानी 7 और माइनस 7 और माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 10, और 6 प्लस का है, 6 प्लस का है, ये रफ वर्क है आपका। अब देखें ये इन दोनों में देखेंगे डिफरेंट साइन होगा, यानी एक्चुअली अब यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होके जवाब आएगा 4, माइनस होके आंसर आया 4। अब 4 में साइन कौन सा होगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा, यानी आपका आंसर क्या आया, माइनस 4, और वेरिएबल क्योंकि सेम था, लाइक टर्म था, एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ये सारा रफ वर्क था आपका। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा आपका, माइनस 1, यानी यहाँ कोई वेरी कोई यहाँ पे कोई कोफिशियंट नहीं है, तो इसका मतलब है 1 कोफिशियंट है, यहाँ 5 कोफिशियंट है, यहाँ 2 कोफिशियंट है। अब अगर आप देखें तो ये माइनस 2 है और ये माइनस 1 है, यानी माइनस 1 माइनस 2 क्या होंगे, जब दोनों साइन एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि एक्चुअली क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन यही आएगा, तो यानी इसका और इसका आपने मामला किया तो माइनस 3 आया। अब प्लस 5 रखिए, अब जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली माइनस होता है, तो यहाँ आंसर आया 2, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आया, तो अब साइन किसका लगेगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, यानी ये 2 आ गया, तो यानी इन तीनों का मामला करके आपके पास प्लस 2 आया, और क्योंकि ये सेम लाइक टर्म थी, ये सेम थे वेरिएबल, तो आप एज इट इज वेरिएबल को उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाइए, माइनस को कुछ नहीं है कोफिशियंट, तो 1 है, माइनस 1b स्क्वायर 3b स्क्वायर 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर सेम है, सारे वेरिएबल सेम है, आप कोफिशियंट का मामला कीजिए, माइनस 1 और माइनस 4 का पहले मामला होगा, क्यों, सेम साइन है, जब सेम साइन है तो एक्चुअली प्लस होगा, साइन वही आएगा, और प्लस 3 प्लस 3, तो आप देखें डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, तो यहाँ आगे आंसर 2, और साइन में आंसर में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो ये आ गया माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह कांस्टेंट में देखिए, माइनस 7 और माइनस 3 ये सेम साइन है, तो यानी एक्चुअली प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस 7 और माइनस 3 कितना हुआ आपके पास, माइनस 10,
माइनस सेवन और माइनस थ्री क्या हो गया माइनस टेन और फिर प्लस नाइन। अब ये डिफरेंट साइन है, जब ये डिफरेंट साइन है तो हमें पता है जब डिफरेंट साइन होते हैं तो एडिशन करते वक्त हमेशा माइनस होता है, तो टेन में से नाइन गए वन बचा और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा यानी अब यहाँ आएगा माइनस वन। तो ये आपका हुआ एडिशन, ये हुआ आपका एडिशन। बिल्कुल इसी तरीके से ये आप हॉरिजॉन्टली जब इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि अगर दो एक्सप्रेशन जो है वो टू टर्म्स की होगी, अगर एक्सप्रेशन टू टर्म्स की होगी तो उसे कैसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, अगर थ्री टर्म्स की होगी तो उसे कैसे लिखेंगे। अब ये फोर टर्म है, बिल्कुल इसी तरह ये लिखें, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इस साइन के साथ क्योंकि कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, फिर इसको इस तरह तीनों को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि कॉपी का सफा छोटा होता है तो कोशिश करेंगे कि पूरी एक लाइन में आ जाए, इसकी राइटिंग छोटी में करेंगे काम। फिर उसी तरह जैसे थ्री टर्म्स वन एक्सप्रेशन जो थ्री टर्म्स पे थी, फिर मैंने उसे अरेंज करना बताया था, बिल्कुल इसी तरह आप सेम टर्म्स को अरेंज करेंगे और उसी तरह मामला करेंगे जैसे थ्री का आपने किया था। ठीक है, तो इस तरह ये आपका हुआ एडिशन। अस्सलाम वालेकुम।